बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। टेंथ क्लास मैथमेटिक्स यूनिट 4। तो इस यूनिट की आखिरी एक्सरसाइज है 4.4। आज हम इसको हल करेंगे। अच्छा, हमने 4.1 में लीनियर फैक्टर पढ़े, 4.2 में रिपीटेड लीनियर फैक्टर और 3 में क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब 4 एक्सरसाइज में हम रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर पढ़ेंगे। आपके पास देखें, फ्रैक्शन में क्वाड्रेटिक फैक्टर है और उसकी पावर 2 है, 2 टाइम ये रिपीट हुआ है। तो इस क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो कांस्टेंट लेनी होती है, ए और प्लस बी, किसी एक के साथ ये आप वेरिएबल लगा दोगे। तो इसकी पावर 1 लिखें, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है ना, पावर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसकी पावर 1। उसके बाद फिर अगले के लिए फिर सी एक्स प्लस डी 2 आप कॉन्स्टेंट लिखेंगे, एक वेरिएबल साथ एक्स जो इसके साथ मौजूद है, और पावर 2 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4 और पावर 2। अच्छा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इसका हम एलसीएम लेते हैं। ये एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 4 पावर स्क्वायर, ये कॉमन एलसीएम दोनों का है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि एलसीएम है। इसमें देखिए लीनियर फैक्टर नहीं है। लीनियर फैक्टर का फायदा है कि हमें अगर एक लीनियर फैक्टर है तो एक कॉन्स्टेंट की कीमत मिल जाती है, दो है तो दो मिल जाती है। यहाँ पे हमें लीनियर फैक्टर हेल्प के लिए मौजूद नहीं है, कंपैरिजन मेथड से करना पड़ेगा। बड़ा जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे सिर्फ एक्स क्यूब रह जाएगा, और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका एलसीएम भी अभी इधर, तो इसकी पावर जो है ये ऊपर, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा ना इसका, तो इसकी पावर 1 रह जाएगी, किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये ए एक्स प्लस बी, ये एलसीएम स्क्वायर वाला, जब इससे मल्टीप्लाई होगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ऊपर सिर्फ आएगा सी एक्स प्लस डी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स एक्स से एक्स क्यूब हो जाएगा, ये भी ए एक्स क्यूब, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर। अब 4 की बारी, ये दोनों से मल्टीप्लाई करें, 4 ए एक्स प्लस 4 बी और प्लस सी एक्स प्लस डी। अब जो आपके पास है ना वेरिएबल की पावर एक जैसे इकट्ठी कर दें, एक्स क्यूब अकेला ही है और बी एक्स स्क्वायर ये भी अकेला, और एक्स यहाँ पे दो जगह पे सी के साथ 4 ए के साथ, 4 ए प्लस सी एक्स कॉमन आ गया, और कॉन्स्टेंट टर्म 4 बी प्लस डी। यहाँ पे मैंने एक्स क्यूब का कोफिशियंट हासिल कर लिया एक्स स्क्वायर का, और ये एक्स का कोफिशियंट मेरे पास ये है, और ये कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि एक्स की पावर 0 का मेरे पास कोफिशियंट ये है। इधर देखेंगे आप तो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है नहीं, इसका मतलब 0 एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है 0 एक्स है क्योंकि वो भी मौजूद नहीं है, और प्लस 0 कॉन्स्टेंट वैल्यू भी आपके पास 0 है। अब कंपैरिजन मेथड जो कि हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स एक्स बोथ साइड, हम ये इसकी कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। एस क्यूब है उसका कोफिशिएंट वहाँ पे 1 है, नहीं लिखा हुआ तो 1, तो हमारे पास ए इजिकल टू 1 आ गया, ये हमारे पास बड़ी आसानी से एक आंसर निकल आया। अच्छा, उसके बाद कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, तो इधर जो है कोफिशिएंट b है और उधर आपके पास 0, तो आपके पास b इज इक्वल टू भी 0 आ गया, ये आपके पास b इज इक्वल टू 0 आ गया। इसके बाद हमने x स्क्वायर को जो है उसके कोफिशिएंट को कंपेयर किया क्यूब को स्क्वायर को, और अब x की बारी है, कोफिशिएंट्स ऑफ x, मैंने पूरा वर्ड नहीं लिखा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोथ साइड,
तो एफ का कोफिशियंट तो इधर जीरो है, ये तो जीरो हो गया। और इधर आप देखें एफ का कोफिशियंट है 4a + c, 4a + c। इसमें हम a की कीमत निकाल चुके हैं जो कि 1 है, a की कीमत यहाँ पे 1 लिख दें, 4 होगा, और ये उधर जाके -4 हो गया c की कीमत। आपके पास 3 कीमतें आ गई। अब कांस्टेंट टर्म की बारी है, इसके बाद आपके पास है कांस्टेंट टर्म। तो हम ये कांस्टेंट टर्म हमारे पास लिखा हुआ है 4b + d, और उधर कांस्टेंट टर्म 0 है, ये लिख लें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स। कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म बोथ साइड, इसमें ये जुमला कंप्लीट बनता है। तो इधर तो 0 है, इधर आपके पास है 4b + d। अब देखें हमारे पास इसमें b की कीमत मौजूद है, b की, वो कीमत इधर रख दें, b की कीमत 0, तो आपके पास d की कीमत भी आ गई 0। b और d 0 हैं, जबकि c -4 है, a 1 है। तो ये आपके पास इनकी कीमतें आ गई। अब हमने इन कीमतों को इक्वेशन 1 में दर्ज करना है, यानी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 की तरफ जाएंगे, यानी मैं अब इसी को यूज़ कर लूँगा। तो ए की कीमत हमने मालूम किया 1, ये 1x हो गया। बी की कीमत हमने पुट की है, मालूम किया 0, तो यहाँ पे 0 लिखे, और अब मैं नहीं लिख रहा, सिंपल x रह गया। सी की कीमत हमने मालूम की है -4, ये आ गया जी -4, और डी की कीमत 0 है, 0, तो ये डी की या 0 लिखेंगे, बल्कि ना लिखें कुछ। उसके बाद फर्दर सुने, ये माइनस का 4 है, ये प्लस, दोनों लामते मल्टीप्लाई होंगी, तो इधर माइनस का 4 ये। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपकी फ्रैक्शन थी, और ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन। ये एक लीनियर फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर, लेकिन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो लीनियर के लिए हमें एक कांस्टेंट लिखना है a x + 1। तो इसका ये एक फ़ायदा है कि हमें एक कांस्टेंट बड़ी आसानी से मिल जाता है, इसकी कीमत जब -1 पुट करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्वाड्रेटिक की बारी आती है, bx + c, और नीचे आ गया x² + 1, इसकी पावर 1 के साथ। उसके बाद dx + e, इसके आपके पास 5 कॉन्स्टेंट हो गए, और x² + 1 इसका स्क्वायर, इक्वेशन 1। अच्छा जी, अब इसका एलसीएम लेंगे और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम इसका ये लिखा हुआ है इस साइड पे, इधर भी यही है, दोनों तरफ एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरफ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² + 3x² + न्यूमिनेटर जो भी है। अब जो आपका एलसीएम है, ये देखिए x + 1 और x² + 1 का होल स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करना है इन तीनों के साथ बड़ी बड़ी। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 कैंसिल हो जाएगा, और a के साथ आएगा x² + 1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब जब ये इसके साथ अगले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कॉन्स्टेंट हमारे पास है bx + c, न्यूमिनेटर, इसके साथ इसकी पावर एक कम हो जाएगी, x + 1 और x² + 1 की पावर 1 के साथ। इसके बाद जी न्यूमिनेटर आपका लास्ट है dx + e, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये x² वाला, ये जो टर्म है स्क्वायर वाला फैक्टर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x + 1 मल्टीप्लाई होगा x + 1। अब ये इक्वेशन एक बड़ी इक्वेशन बन गई, इसको सिंपलीफाई करेंगे कंपैरिजन मेथड के लिए। अच्छा, ये इधर देखिए इक्वल का निशान, ये आपके पास है a + b का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलता हूँ, a² ये x² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2ab की जगह 2x². अब इधर पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये मेरे पास आएगा जी x³, फिर x, और
उसके बाद ये वन से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, वन वन से वन, डी एक्स प्लस ई, ये एंड में मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ। अब फाइनल मल्टीप्लिकेशन है सबकी, मैंने वहाँ पे अभी नहीं किया तो अब मल्टीप्लाई करता हूँ। ये देखिएगा, ये आपके पास आएगा फोर के साथ, ए एक्स फोर प्लस टू ए एक्स स्क्वायर और ए, ये बी एक्स है, इन सब से मल्टीप्लाई होना है तो बी एक्स फोर प्लस, इसको पहले लिख लेता हूँ, बी एक्स क्यूब, उसके बाद बी एक्स स्क्वायर और उसके बाद बी एक्स, यानी मैंने किया ये है कि इसको स्क्वायर वाले को पहले मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में वन या के पीछे कर ले। अब सी को इन तमाम से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास आएगा सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी। अच्छा जी, इसके बाद फर्दर देखिए कि ये डी एक्स ने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास आएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस ई एक्स प्लस ई, ये सबको मल्टीप्लाई कर दी, खासी लंबी इक्वेशन ये बन गई। अब जो फोर वाले हैं ना वो मेरे पास दो ही हैं तो मैं इनके कोफिशेंट लेता हूँ, तो कोफिशेंट है ए और उधर प्लस बी, ये एक्स फोर, उसके बाद क्यूब वाले लेता हूँ, क्यूब वाले मेरे पास हैं ये एक और दो, ये मेरे पास है बी और प्लस सी एक्स क्यूब। अब स्क्वायर वाले लेता हूँ, स्क्वायर वाले मेरे पास एक दो तीन और चार, चार है मेरे पास स्क्वायर वाले, तो ये आएगा टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सब के लिए एक्स क्यूब। अब ये एक्स पे आ जाते हैं, ये एक्स है पहला, ये दूसरा सी एक्स और ये भी चार है एक्स वाला, तो एक्स के कोफिशियंट हुआ बी, फिर हुआ सी, फिर डी और फिर ई एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म ए है सी है और ई, ए प्लस सी प्लस ई। अच्छा, कंपेयरिंग द कोफिशियंट ऑफ लाइक पावर ऑफ बोथ साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स फोर को करते हैं, मैं इसको लिख लूँ एक्स फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अच्छा, इससे भी पहले एक स्टेप करना चाहिए था, ये बाद में भी कर सकते हैं, इसको जीरो रखना था और इसकी कीमत माइनस वन इसके अंदर पुट करनी थी, एक कॉन्स्टेंट की कीमत आ जानी थी आपके पास। तो अब मैं जो इक्वेशन या इसकी इक्वेशन पहले लिख लेता हूँ, बाद में उसकी कीमत लिख लूँगा। ये देखें ए प्लस बी, इसका यहाँ पे मैं कॉमन लिखूँगा, इतने जुमले लिखने पड़ जाएंगे, मैं कंपेयरिंग द कोफिशेंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ जो लाइक पावर है ना, पहले एक्स फोर की पावर देखते हैं, इसका कोफिशेंट इधर वन है और उधर क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, ये आपके पास ए इक्वेशन आ गया। दूसरा क्यूब देखें बी प्लस सी और इधर क्या है क्यूब, इसमें क्यूब है ही नहीं, मिसिंग है, तो इधर जीरो आ गया बी। अच्छा, उसके बाद एक्स स्क्वायर क्या आपके पास है टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर इधर है थ्री,
ये सी आ गया। उसके बाद एस का कोफिशेंट कंपेयर कर लें, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, उधर एस का कोफिशेंट है 1 डी, और लास्ट में कांस्टेंट इधर 1 है और उधर कांस्टेंट है ए प्लस सी प्लस ई इजिकल टू 1। ये ई इक्वेशन, ये लाजमी नहीं सारी इक्वेशन जो हमें इस्तेमाल करनी पड़े, तो इससे पहले भी हमारा काम ख़त्म हो सकता है। बहरहाल ये मैंने इससे कंपैरिजन मेथड से इक्वेशन हासिल कर ली ई तक। अब जो लीनियर फैक्टर मालूम करने का तरीका है ना, यहाँ से एक कोई भी एक मुझे कीमत गौर से देखें, किसी भी एक कांस्टेंट की कीमत मुझे आसानी से नहीं मिल रही। अच्छा अब देखिएगा, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, जब इसको 0 रखेंगे लीनियर फैक्टर को, तो माइनस 1 इन इक्वेशन, इसका नाम रखते हैं जी ए, इक्वेशन ए कैपिटल ए, तो माइनस 1 है, माइनस 1 इसकी पावर 4 यहाँ पे मैं शुरू हो जाता हूँ, और प्लस 3 है और इसकी पावर है माइनस 1 का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 1 एक्स की जगह माइनस 1 और प्लस 1, और जब माइनस 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, माइनस 1 ये सिर्फ ये बचेगी ए वाली, ए माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 1 और इसका भी स्क्वायर है, तो ये माइनस 1 की पावर 4 लेंगे तो आपके पास आएगा प्लस का 1, ये माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस, ये प्लस का 3 हो गया, ये 1 और 1 कट गया, इधर 4 आ जाएगा, और उधर देखें 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, ये भी 1 प्लस का स्क्वायर, ये 2 हो गया, 2 का क्या आएगा 4, ए स्क्वायर लेने से 4 हो जाएगा, इधर भी 4 है, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 4 से तो ए इज इक्वल टू 1। ये आपके पास ब्रेक थ्रू हो गया, एक बड़ा ब्रेक थ्रू जिसे ए की कीमत मिल गई। इसके बाद हमें जो बाकी कीमतें आसानी के साथ मिल सकती हैं। अब मैं इसी पोर्शन पे आ जाता हूँ क्योंकि जो मेरे यूटिलिटी का है, मैं बाकी इसको यहाँ से अरेंज कर देता हूँ। नहीं अब देखें, ए की कीमत 1 में पुट कर दी, इक्वेशन ए में पुटिंग कैपिटल ए इक्वल 1 इन इक्वेशन ए, तो ए की जगह 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो ये बी इज इक्वल टू 0 हो गया, ये दो कीमतें हो गई। अब बी की कीमत 0 इसके अंदर पुट करें, इक्वेशन बी पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन बी, इस b में पुट करें तो ये b की जगह 0 प्लस सी इजिकल टू 0, सी इजिकल टू 0, ये भी 0 आ गया। अब हमारे पास d और e की बारी है, तो a b c तो हम मालूम कर चुके हैं, d की कीमत यहाँ से निकलेगी, c में पुट कर दें, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन c, सी में पुट करें, ये 2a, 2a की जगह 1 आ गया, b की जगह 0, c की जगह 0, और उसके बाद है d इजिकल टू 3, ये b और c की जगह 0 लिख दिया, ये 2 रह गया और ये d, और अब ये देखिएगा इधर d रह गया, इधर 2 है सिर्फ, उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो d की कीमत आ गई 1। अब सिम आपके पास सिर्फ रह गया ई, ई की कीमत आप यहाँ पे 3 कीमतें पुट करके मालूम कर सकते हो, ई की कीमत यहाँ पे 2 कीमतें, तो छोटे वाले को पकड़ते हैं। नाउ यूजिंग इक्वेशन ई, ये उसे शॉर्ट, तो ए की कीमत हमारे पास इसके अंदर रखेंगे 1, सी की कीमत हमारे पास है 0, ई की कीमत हमने मालूम करनी है और 1, तो ई आपके पास 1 माइनस 1
ई की कीमत भी आ गई ज़ीरो। ये जी हमारे पास तमाम कॉन्स्टेंट की कीमतें आ गई। अब हम इसके बारे में कहेंगे पुटिंग ऑल दीज वैल्यू ए बी सी डी ई इन इक्वेशन वन। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब वहाँ से कीमतें देख देख के पुट करूँगा। देखिए आपका जो ए है उसकी जगह वन आएगा, तो मिटा दो। ये तो मैंने समझाने के लिए हेल्प के लिए इस्तेमाल किया था, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, ये वन आ गया। बी की कीमत ज़ीरो, सी की कीमत ज़ीरो, ये दोनों की कीमतें ज़ीरो। तो ज़ीरो ज़ीरो लिखेंगे ये फैक्टर ही ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो लिखेंगे ये फैक्टर ही ख़त्म हो गया, दोनों ज़ीरो हो गए ख़त्म। अब अगले पे चलें, डी की कीमत वन है, ये वन एक्स हो गया, और ई की कीमत आपकी ज़ीरो, इसकी जगह ज़ीरो प्लस इसमें लिख देता हूँ। ये बेटा आपने सब की इनकी ए बी सी डी ई की कीमतें पुट की, तो आपके पास इस फ्रैक्शन के जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये इसका आंसर है। अब इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे। ये देखिए इसके डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड। तो लीनियर के लिए एक कॉन्स्टेंट x प्लस वन, क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और डी एक्स प्लस ई और एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वेशन वन। अब दोनों तरफ एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सांझा कॉमन एलसीएम है, इधर मल्टीप्लाई होगा और उधर भी, जिसमें इस तरह मल्टीप्लाई होगा, आपके पास सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास जो है ये दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर वन रह जाएगी, तो बी एक्स प्लस सी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन और पावर वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा जी, ये जो एलसीएम है इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो डी एक्स प्लस ई के साथ जो मल्टीप्लाई होगा ये लीनियर फैक्टर एक्स प्लस वन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका स्क्वायर खोलना, स्क्वायर है एक्स फोर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन आ जाएगा, प्लस टू ए बी टू एक्स स्क्वायर, उसके बाद बी एक्स प्लस सी, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास आएगा एक्स इससे मल्टीप्लाई आएगा एक्स क्यूब, एक्स इससे प्लस का एक्स आएगा, फिर ये से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पहले आता था बाद में मैंने तरतीब से लिख दिया, वन वन से मल्टीप्लाई आएगा वन डी एक्स प्लस ई, इसको मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा एक्स प्लस वन पे, ये एक जैसी टर्म इकट्ठी होगी, अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए ये आपके पास आ गया ए एक्स फोर प्लस टू ए एक्स स्क्वायर और ए, ये बी एक्स तमाम से मल्टीप्लाई होगा, तो बी एक्स फोर बी एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर और बी एक्स, और ये सी जो आपका है ये सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी। अब इसके बाद ये डी एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई, ये मल्टीप्लिकेशन होगी सबकी। इसके बाद सेम पावर इकट्ठी कर लें, ए फोर जो हमारे पास है वो दो मरतबा मौजूद है ए फोर, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी एक्स फोर। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो क्यूब है एक मरतबा दो मरतबा, एक्स क्यूब हमारे पास दो मरतबा मौजूद है, हमारे पास आ गया जी बी और प्लस सी एक्स क्यूब। अब स्क्वायर वाली टर्म पे चले जाए,
के वाली टर्म हमारे पास एक दो तीन चार स्क्वायर वाली टर्म है। तो ये आ गया जी 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और जी एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद x वाली टर्म देखें, ये एक x वाली टर्म एक दो तीन चार, ये भी चार, तो x की टर्म आपके पास आ गई b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये जी x। अब कांस्टेंट टर्म देख ले, कांस्टेंट टर्म हमारे पास जो है a है c है और e, ये तीन a c और e। अच्छा इधर x4 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे x4 जो है 0x4 है प्लस 0x क्यूब है प्लस इसके बाद x स्क्वायर है प्लस 0x है और प्लस 0, यानी x स्क्वायर 1 है बाकी सारे कोएफिशिएंट 0 है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x बोथ साइड। तो a प्लस बी इसका कोएफिशिएंट जो है, यहाँ पे मुझे चार लिखना था, a प्लस बी इसका ज़ीरो, यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन a हो गया। अच्छा दूसरे पे आ जाए b प्लस सी, वो भी ज़ीरो, b प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास b इक्वेशन आ गई। उसके बाद स्क्वायर पे आ जाए, स्क्वायर उधर वन है कोएफिशिएंट, तो इधर हमारे पास है 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू वन, सी इक्वेशन। अच्छा अब x का कोएफिशिएंट b c d e, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि उधर उसका कोएफिशिएंट ज़ीरो है। d कांस्टेंट टर्म a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू ज़ीरो ई, ये मैंने जो कोफिशंट हैं इनके लाइक पावर ऑफ एक्स बोथ साइड उनकी मैंने ये पांच इक्वेशन हासिल कर ली। मेरे पास लीनियर फैक्टर है यहाँ पे, तो इसकी कीमत जो है ज़ीरो पुट करूँगा, तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन, और इसका नाम कैपिटल ए रखता हूँ, इसके अंदर पुट करेंगे कैपिटल ए। तो यहाँ तो माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाए ए माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, और इसका भी स्क्वायर, बाकी तमाम टर्म ज़ीरो। इधर रखेंगे एक्स माइनस वन की पूरी टर्म ज़ीरो, यहाँ पे रखेंगे ये टर्म ज़ीरो, सिर्फ ये बचेगा हमारे पास। अब यहाँ से एक ही कीमत निकाल लें, ये प्लस का वन आ गया, और ये माइनस वन इसका स्क्वायर लोगे तो प्लस का वन आ जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, फोर इसके नीचे वन ओवर फोर आ गया ए की कीमत, ये जी आपके पास ए की कीमत आ गई वन बाई फोर पहली कीमत। इस कीमत को इस्तेमाल करके हम आगे चलते जाएंगे, इसके बाद देखें देखें जी ए इज इक्वल टू वन बाई फोर पुट कर दें इसमें, पुटिंग ए इन इक्वेशन ए, तो ए की जगह वन बाई फोर है और प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो बी इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस वन बाई फोर, या कि पास दो कीमतें होंगी ए और बी की। अब बी की कीमत को इक्वेशन बी में पुट करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन बी, तो वहाँ पे बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, बी की जगह माइनस वन बाई फोर और सी इक्वल टू ज़ीरो, तो सी की कीमत आ गई वन बाई फोर,
अब ए बी सी की कीमतें हम इक्वेशन नंबर सी में पुट करते हैं। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सी, टू ए की जगह 1/4, बी की जगह -1/4, सी की जगह +1/4 और डी इज इक्वल टू 1। ये ए बी सी की कीमतें मैंने इसके अंदर पुट कर दी। ये आपके पास रह गया 1/2, ये कैंसिल हो गया प्लस डी 1, तो 1 -1/2 एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा 1/2, ये डी आ गया। अब ए की कीमत के लिए हम डी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ई में 3 कॉन्स्टेंट है, इसको इस्तेमाल कर लें यूजिंग इक्वेशन ई। ए की कीमत 1/4, सी की कीमत भी 1/4, ई की कीमत मालूम करनी है इधर टू 0। 1/4 जमा करेंगे तो 2/4 यानी 1/2 आधा हो जाएगा ई, और तो ई की कीमत आ गई -1/2। ये आपके पास अब ए से लेके ई तक की तमाम कीमतें आ गई हुई हैं। इन कीमतों को इसके अंदर पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो ए की कीमत है 1/4, बी की कीमत है -1/4, सी की कीमत है 1/4, डी की कीमत है 1/2, ई की कीमत है -1/2। अब ये हम इसको सिंपलीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, आंसर तो हमारा आ चुका। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 × x + 1। यहाँ से अगर हम माइनस को ऊपर लेता हूँ माइनस, मेरे पास x बचेगा, ये प्लस का x हो जाएगा और ये माइनस का 1, और जबकि 4/2 में आ जाएगा x² + 1। अब आगे चलते हैं, 1/2 यहाँ पे आपका कॉमन निकलता है, तो आपके पास x - 1 और 2/2 में आ गया x² + 1 का होल स्क्वायर। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन, ये इसका आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 के 3 क्वेश्चन, लंबे क्वेश्चन थे, आधा टाइम लिया इन्होंने, और 3 ही बाकी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये 3 क्वेश्चन करेंगे और ये हमारा ही अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।